सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। तो करते शुरुआत सबसे पहले पुराने फोन से। सवाल आपके लिए ये था यार कि आपको अगर एक फोन लेना हो 30-40 हज़ार के प्राइस ब्रैकेट में तो आप किसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे आपने से बोला 53% ने कि यार हम ले लेंगे एक आईफोन। उसके बाद में लोग बोलते हैं कि हम लेंगे आईक्यू 7 सीरीज और ऐसे करते करते लास्ट में भैया वोट मिले हैं मी 11X सीरीज और पिक्सल स्मार्टफोन को। यहाँ पर दोस्तों ऐसे में आज का सवाल आपके लिए ये है कि अगर आपको पता चले कि आपको है पैसा देना पड़ेगा हर महीने फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करने के लिए, तो क्या आप फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह यूज करेंगे क्या पैसा देने के बाद? बताना जरूर क्या है दोस्तों आपको जवाब सीधा पोल सेक्शन में जाते हुए, नीचे कमेंट करते हुए और हमेशा हर बार की तरह पूरी ताकत के साथ में दबा डालिए सीधा वीडियो में लाइक बटन को। यहां पर दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेकर, निकल के आते हैं भैया फेसबुक और इंस्टाग्राम को ही लेके, जहां पर दोस्तों एप्पल जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टली अभी जो है वो मतलब कंट्रोल कर रहा है जो दोस्तों ऐप्स आपको ट्रैक करती है ना जगह से जगह राइट एंड लेफ्ट, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। और यहां पर दोस्तों जो लेटेस्ट iOS 14.5 वाला आया है उसके बाद यहां पे भैया फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरफ से आपको पॉपअप जो है वो देखने को मिल रहा है और यहां पे नीचे क्लियरली लिखा है कि हेल्प कीप इंस्टाग्राम या फिर हेल्प कीप फेसबुक फ्री ऑफ चार्ज। मतलब ये बोलते हैं कि भैया आप अलाउ कर दो ताकि हम आपको ट्रैक करते रहें, अगर नहीं तो पैसा देना पड़ सकता है। अरे हद है भाई, मतलब प्राइवेसी और जो है यूज़र डेटा इसकी तो कोई अहमियत लगता है फिर रही नहीं गई है। एप्पल वैसे जो है वो इस फील्ड में बहुत दोस्तों स्ट्रांगली काम कर रहा है। आई होप कि जो गूगल है वो भी काफ़ी स्ट्रांगली ऐसे ही जो ये एंटी ट्रैकिंग वाली पूरी चीज़ें हैं इसकी तरफ काम करे ताकि हमारे फ़ोन पर जो हमारा डेटा है या जो भी हम चीज़ें करते हैं वो एकदम प्राइवेट की प्राइवेट बनी रहें। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में रियलमी की म्याऊ बुक को लेकर। रियलमी भैया मैकबुक जब हो सकता है एप्पल का तो सोचता है कि हमारा मियाओ बुक क्यों नहीं हो सकता। यहां पर दोस्तों फिलहाल हम बात कर रहे हैं मियाओ बुक लैपटॉप की और यहां पर दोस्तों रियलमी ने कुछ सर्वे वगैरह भी किए हैं। मतलब ये एक काफी अफोर्डेबल लैपटॉप हो सकता है अभी ऐसे में। ये कितना ज्यादा बेहतर होगा, क्या स्पेक्स लेके आएगा, किस एग्जैक्ट कीमत पर आएगा वो तो दोस्तों खैर हम देखते हैं। लगता यही है कि जो रियलमी का मियाओ बुक है ना वो बहुत जल्दी आने वाला है। अगर कोई पूछेगा आपके पास में कौन सा लैपटॉप है तो आप बोलना मेरे पास में मियाओ बुक है। सही है ना। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एप्पल के एप्पल वॉच 8 को लेके। और यहाँ पर दोस्तों एप्पल वॉच 8 में हमारे पास में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और अल्कोहल लेवल्स मेजर करने की कैपेबिलिटीज़ जो है वो एप्पल वॉच प्रोवाइड करने वाला है। मतलब यार ये काफ़ी सही चीज़ होगी। मतलब आपने घड़ी पहनी उसके बाद दोस्तों बहुत सारे तरह तरह के जो वाइटल्स हैं वो आप सीधा अपनी घड़ी से ही चेक कर सकते हैं। फिलहाल के जो एप्पल वॉच सीरीज 6 है उसके अंदर भी दोस्तों हमारे पास में जो SPO2 मॉनिटरिंग वगैरह है वो काफ़ी एक कमाल का फीचर है आज के करंट टाइम को देखते हुए। और आगे चल के अगर बीपी और ब्लड शुगर और ये सब भी निकल के आ गया तो काफी सही होगा। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में यहां पे रेडमी नोट 10 को लेके। इंडिया में दोस्तों लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है 13 मई। देखते हैं कि रेडमी उस दिन ये फोन जो है ये किस स्पेक्स के साथ में किस कीमत पे लॉन्च करता है। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में MyGOV कोरोना हेल्प डेस्क चैटबॉट को लेके। और यहां पर दोस्तों अभी ये चैटबॉट निकल के आ गया है आपके सामने दोस्तों, स्क्रीन पे नंबर है आप उसको यूज कर सकते हैं और ऐसे में व्हाट्सएप पे जाने के बाद में आप दोस्तों कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स वगैरह के बारे में और जो दोस्तों बाकी चीजें हैं वो आप सीधा इस चैटबॉट से पता लगा सकते हैं व्हाट्सएप पे। यहां पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है हमारे पास में वोडाफोन आइडिया को लेकर। और यहां पर दोस्तों अभी एप्पल आईफोन्स के अंदर भी जो है वो वाईफाई कॉलिंग की सर्विस ने एक्सपैंड कर दी है। जो भी दोस्तों डिवाइसेस फिलहाल रन कर रहे हैं iOS 14.5 पे वो काम में ले पाएंगे वाईफाई कॉलिंग को। वैसे इंडिया में दोस्तों फिलहाल अभी वोडाफोन आइडिया का क्या सीन चल रहा है? मतलब आप में से मेजॉरिटी मेरे ख्याल से एयरटेल या फिर जियो वाले होंगे। वोडाफोन आइडिया वाले कितने हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगला दोस्तों अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एप्पल एयरपॉड्स 3 को लेके। और यहाँ पर दोस्तों एप्पल एयरपॉड्स 3 और साथ में हाई फिडेलिटी एप्पल म्यूजिक जो है ये शायद एप्पल बहुत जल्दी लॉन्च कर सकता है आने वाले कुछ ही हफ्तों में। लेट्स सी कि जो एयरपॉड्स 3 होते हैं ये किस कीमत पे आते हैं और
किस कीमत पे ही आते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास में अगली खबर निकल के आती है आईकू जेड थ्री को लेके। ये दोस्तों लगता है कि यार इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है और यहाँ पर दोस्तों ये एक अफोर्डेबल फोन होगा आईकू की तरफ से। मतलब लगता है कि 20,000 के ब्रैकेट के आसपास ही आएगा, 20,000 के शायद नीचे ही आएगा और काफी बेहतरीन हमको स्पेक्स प्रोवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आईकू 7 या 7 लीजेंड थे, तो अपने प्राइस के हिसाब से देखते हैं कि आईकू जी 3 इंडिया में क्या कुछ नया प्रोपोजिशन क्रिएट करता है। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है हमारे पास में जेनफोन 8 को लेके। और यहाँ पर दोस्तों जेनफोन 8 जो है ये IP68 रेटिंग के साथ में आएगा। मतलब एसुस का पहला फोन होगा जहां पर दोस्तों हमको ये IP68 रेटिंग देखने को मिल रही है और ऐसे में हेडफोन जैक वगैरह भी होगा, काफी कॉम्पैक्ट फोन भी होगा। यहाँ पर दोस्तों खैर कुछ ये लीक्स भी निकल के आए हैं जहां पर पीछे हमको ड्यूल कैमराज दिख रहे हैं। अब वैसे ड्यूल बहुत है यार, अब अलग से अगर एक्स्ट्रा लगा भी देते 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो या डेप्थ तो वो कहने को होते 4 काम तो दो ही करते थे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली जो जेनफोन 8 है ये अपने साथ में क्या क्या फीचर्स पैक करता है एक कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है सैमसंग को लेके। सैमसंग गैलेक्सी जी फ्लिप 3 और सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3, यहाँ पर दोस्तों कुछ कुछ इनके लीक्स निकल के आ गए हैं। जहाँ पे जी फोल्ड 3 में तो होगा अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, साथ में एसपेन का सपोर्ट भी होगा और अलग दोस्तों यहाँ पे चीज़ें जो है वो कुछ कुछ लॉन्च से पहले किए जो है वो लीक्स निकल के आए थोड़े थोड़े टुकड़ों में। लेट सी कि सैमसंग जब लॉन्च करता है मेरे ख्याल से जुलाई के महीने में इन दोनों ही फोन्स को, तो हमें क्या कुछ नया इन दोनों ही फोन्स के साथ में देखने को मिलता है। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है हमारे पास में एप्पल को लेके। और एप्पल एयर टैग जो है वो भैया काफी कॉम्पैक्ट है दोस्तों। यहाँ पे आई फिक्सिट ने जब किया टीयर डाउन तो यहाँ पे दोस्तों देखा गया, अगर आप कंपेयर करते हैं टाइल के साथ में या फिर सैमसंग गैलेक्सी स्मार्ट टैग या फिर नो ऐसे बाकी टैग के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे दोस्तों काफी कॉम्पैक्ट निकल के आया है एप्पल एयर टैग। और यहाँ पे आप अगर चाहें तो आप ड्रिल भी कर सकते हैं इसके अंदर एक्स्ट्रा चाबी से अटैच करने के लिए। हाँ वाटर रेजिस्टेंस उसने फिर बाद में काम नहीं करेगा, लेकिन हाँ ड्रिलिंग का एक ऑप्शन है अगर आप बहुत ही प्रिसाइजली छेद कर पाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली खबर निकल के आती है बहुत ही मेगा गुड न्यूज है और यहाँ पर दोस्तों ये आई हमारे पास में जेमवायर की तरफ से, जहां पे पबजी मोबाइल इंडिया के कमबैक की बात जो है वो हम सभी कर रहे थे कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों भी लगता है कि जो गेम है उसका नाम चेंज हो रहा है जो कि है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। यहाँ पर दोस्तों ये क्रिएटिव आपके सामने है, कमिंग सून यहाँ पे क्लियरली लिखा है और यहां पर दोस्तों ये हुआ है सीधा का सीधा लीक PUBG Mobile इंडिया की वेबसाइट से। और यहां पर दोस्तों जेमवायर ने हमको बताया है कि मतलब बहुत जल्दी अभी खैर ये क्रिएटिव हम देख ही पा रहे हैं, नाम दोस्तों अभी चेंज हो गया है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिंट्स दोस्तों मिल रहे हैं कि गेम बहुत जल्दी आ सकता है। अभी खैर यार इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है तो लगता है कुछ ना कुछ तो हलचल मची हुई है। आप खैर वीडियो को अभी कभी लाइक कर दो और मुझे बताओ कि ये नाम कैसा रहेगा। वैसे काफ़ी सही रहा, काफ़ी यूनिक रहेगा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया स्पेशली इंडिया के लिए बनाया हुआ। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में एप्पल को लेके। और एप्पल भैया 2023 में 2 साल बाद एक 8 इंच का आईफोन लेके आएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आईफोन होगा ये एक फोल्डिंग आईफोन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको खोल लिया तो जो स्क्रीन है वो बन जाएगा 8 इंच का, अगर आपने उसको बंद किया तो फिर एक नॉर्मल फोन की तरह। वो कैसे फोल्ड होगा क्या होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना पता कर लो कि 2023 में एप्पल एक 8 इंच के आईफोन को लॉन्च करने वाला है। दोस्तों बस फिलहाल में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।